अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक डिजिटल डेस्क को इनिशियल स्टेज पे आप लोग किस तरह सेटअप करेंगे और इसके बेसिक्स क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर मुझे इस माइक्रोफोन को आउटपुट करना है इन स्पीकर्स में से, तो मुझे दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, टू थिंग्स। फर्स्ट कि मैं इस माइक्रोफोन की ऑडियो को इस मिक्सर के अंदर किस तरह लाऊं, और सेकंड मैं उस ऑडियो को उस स्पीकर में किस तरह आउटपुट करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप बैक पे देखिए तो ये जो हैं ये इनपुट पोर्ट्स हैं, इसको यामाहा ओमनी इनपुट्स कहता है। तो आप जो माइक्रोफोन का रिसीवर है वो चैनल वन फॉर एग्जांपल इनपुट वन में कनेक्ट कर दीजिए, और जो स्पीकर्स हैं आपके जो आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे हैं, इसको भी यामाहा ओमनी आउटपुट्स कहता है। तो लेफ्ट और राइट स्पीकर्स आउटपुट आप यहां से ले लीजिए और वो अपने स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर्स के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब जब आपने इस माइक्रोफोन का रिसीवर इनपुट में कनेक्ट कर दिया और ये जो स्पीकर्स हैं इनको आउटपुट में कनेक्ट कर दिया, सेकंड थिंग ये है आपने इसकी राउटिंग करनी है। राउटिंग से मेरी मुराद ये है कि फर्ज करें ये जो माइक्रोफोन है ये इस फेडर पर कन्फिगर है, लेकिन इस फेडर के ऊपर मैंने इस चैनल को बताना है कि माइक्रोफोन फिजिकली बैक पे कहाँ पे कनेक्ट है। अब ये जो डेस्क है ये पूरा डेंटे पे कन्फिगर्ड है, लेकिन आपने जब कन्फिगरेशन करनी है बेसिक सेटअप की तो आपने यहाँ पे वही इनपुट जो है राउटिंग में इस चैनल को असाइन करना है। सो अब आपने इस चैनल पे राउटिंग को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है, जिस तरह कि मैंने आपको कहा कि डेंटे जो है डेंटे नेटवर्क वो ऑडियो वर्ल्ड में बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से अपना नाम बना रहा है, और आजकल सारे जो ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेंटे पे ही होती है कमर्शियल लेवल पे। लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम इस इनपुट को यूज़ करेंगे। तो अब आपने इस फेडर को वो वाला फिजिकल इनपुट असाइन करना है जिसको हम राउटिंग कहते हैं। तो राउटिंग किस तरह होगी, बेसिकली QL5 पे अगर आप गेन बटन दबाएं तो ये होम बटन है, ये होम पेज है। अब आप अगर इधर देखें यहाँ पे ये राउटिंग पेज आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे, सही है। फिर आप यहाँ से पैच को क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी राउटिंग आ गई, सही है। फिर यहाँ से आप जो है ओमनी जो है आप ओमनी इनपुट को सिलेक्ट करेंगे, सही है। अभी मैंने डेंटे 54 सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि ये जो डेस्क है ये डेंटे पे कनेक्ट है। अब आपका जो माइक्रोफोन की पैचिंग और राउटिंग कन्फिगर्ड हो गई इस पोर्ट पे, सही है। अब आपने ऑडियो को अपने माइक्रोफोन को ऑन कीजिए और ऑडियो को डेस्क में लाना है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लेवल आ गया, मैं स्पीक करूँगा तो लेवल ऊपर जा रहा है, यानी मेरी ऑडियो आ रही है। ऑडियो हमने किस तरह इनपुट गेन को कॉन्फ़िगर करना है, हमने इनपुट गेन को यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन इस टाइम जो है मेरे पास सिर्फ डिजिटल इनपुट गेन अवेलेबल है डी गेन, क्योंकि ये सब जो है डेंटे पे कॉन्फ़िगर्ड है और एक DSP डिवाइस बाय एम टेसीरा जो है वो ऑडियो गेन प्री एम्पलीफिकेशन का काम दे रही है। दैट्स वाई मेरी यहाँ पे ऑडियो गेन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही, लेकिन मेरे पास डिजिटल गेन है। तो अगर आपने अपनी डिजिटल गेन इनफ सेट कर ली कि वो अबाउट -12 पे आ रही है तो आपकी इनपुट गेन जो है प्रॉपरली सेटअप हो गई है। अब आपने क्या करना है, इस ऑडियो को आपने इस स्पीकर से आउटपुट करना है। तो बेसिकली मैंने जो है इसको स्टीरियो बस पे कन्फिगर किया हुआ है इन स्पीकर्स को, तो मेक श्योर कि स्टीरियो बस जो है वो स्विच ऑन है, और यहाँ से आप जो है इसको अगर आप यहाँ देख सकते हैं स्टीरियो इस चैनल को सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, और यहाँ से आप स्टीरियो बस को प्रेस कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑडियो इस चैनल पे आएगी वो यहाँ से स्टीरियो और मोनो बस को जाएगी,
अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टीरियो बस है, ये मोनो बस है, और पैन को मिडल में रखिए क्योंकि लेफ्ट और राइट में आपने ऑडियो भेजनी है। सही है जी। तो ये आपने इसको बता दिया कि जो ऑडियो इस फेडर पे आ रही है वो आप मेरे स्टीरियो लेफ्ट और राइट चैनल पे भेज दो आउटपुट पे। सही है। तो अब मैं इस माइक्रोफोन को ऑन करता हूँ यहाँ से। चेक वन टू हे। तो दोस्तों इस तरह जो है मेरी ऑडियो इन स्पीकर्स के थ्रू अब आ रही है। तो दोस्तों ये जो था ये आज बिल्कुल बेसिक एक ट्यूटोरियल था कि आपने माइक्रोफोन की ऑडियो स्पीकर्स के साथ किस तरह आउटपुट करनी है डिजिटल डेस्क पे। तो अगली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा डिजिटल डेस्क के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको डिजिटल डेस्क के बारे में क्या पता करना है और उस हिसाब से मैं वीडियो बना लूँगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।